हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। मैं विनोद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। सो गाइस, फाइनली आज हम जा रहे हैं चांदमारी के बालाजी, जो कि स्टेशन रोड पे पड़ता है, खेड़ली फाटक एरिया है, वहां पे पड़ता है ये स्टेशन रोड पे। और जाने का पर्पज़ ये है दोस्तों वहां पे कि जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, जो कि भोलेनाथ का काफ़ी बड़ा पर्व है। तो 18 तारीख को क्या हम लोगों ने प्लान किया है कि मतलब कच्चे खाने का प्रोग्राम है हमारा। तो वहाँ पे चांदमारी बालाजी का प्लान ही किया था सभी ने पहले मिलके कि वहीं से मतलब वहाँ पे जाके खाना बनाएंगे, खाएंगे दोस्त लोग सब। तो पहले हम लोग जाके लोकेशन देखेंगे वहाँ पे कि मतलब लोकेशन उस लायक है या नहीं है, खाना बनाने लायक वहाँ पे स्पेस है या नहीं है, पानी वगैरह की सुविधा है या नहीं है, सब देखने के लिए पहले हम लोग जा रहे हैं। और मेरे साथ राहुल जी है, सुनील जी है और हमारे विक्रम भैया जी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज वाला एरिया है, जेडीबी कॉलेज वाला जो चौराहा है यहाँ पे पहुंच गए अपन। तो यार क्या होता है ना कि एकदम से मान लो अगर अपन चले जाएँ वहाँ पे और प्रोग्राम करें, पता चले यार वहाँ पे कुछ सुविधा ही नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका। तो पहले हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक बार पहले अपन जाके लोकेशन देख के आएंगे और फिर उसके बाद में आगे की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि फिर पहले से पता होना चाहिए ना यार, नहीं पता रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी मतलब अपने लिए। तो यहाँ पे अपन पहुँच चुके हैं अभी अपना ये यहाँ पे ये अंटागर चौराहा जो कि नया बना है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ कॉलेज। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज का जो रात का लाइटिंग का जो सीन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है यार, बहुत अल्टीमेट होता है वाला सीन। तो ये स्टेशन रोड है, अब यहाँ से अपन जाएंगे खेड़ली फाटक। वो खेड़ली फाटक तक का रास्ता मुझे पता, उसके आगे का रास्ता किसी को पता नहीं। ये आगे खेड़ली फाटक अपन, अब यहाँ से मतलब स्टेशन रोड से लेफ्ट लिया तो खेड़ली फाटक पहुँच गए। अब यहाँ से सीधा चलना है अपने को आगे, रास्ता किसी को पता नहीं, पूछते पूछते जाएंगे। तो पूछते पूछते अपन पहुँच चुके हैं यहाँ पे, जंगल टाइप का आ गया है। मतलब बोला जाता है कि चांदमारी बालाजी मतलब चंबल नदी के किनारे, हम पहली बार जा रहा हूँ मैं खुद यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मंदिर का प्रांगण दिख गया। तो अपन पहुँच गए हैं चांदमारी के बालाजी। अब बाइक स्टैंड पर पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर, जो कि स्पेस बनाया हुआ है इन लोगों ने। और ये है मंदिर का बाहर वाला जो व्यू है, ये ऐसा है दोस्तों मंदिर के बाहर वाला व्यू। हाँ, स्थान तो काफ़ी प्यारा है यार, नो डाउट बालाजी का स्थान है वो ऑब्वियसली प्यारा तो होगा ही सही। और चंबल नदी के किनारे भी है, बहुत प्यारा स्थान है। तो ये है बाहर का व्यू है यहाँ का। अब देखते हैं अंदर चलते हैं, मंदिर के दर्शन वर्शन कर लेते हैं पहले। ये आ गए अपन मंदिर के अंदर। ये साहब, ये है चांदमारी बालाजी का मेन मंदिर। मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ, इससे पहले कभी आने का मौका नहीं मिला। लेकिन होता है ना यार कि प्लानिंग बनती तो हर जगह जाने का मौका मिलता, हमारी प्लानिंग थी तो मिल गया मौका। जय बजरंगबली, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी बालाजी महाराज के, बहुत ही प्यारा नज़ारा यार, बहुत ही प्यारा सीन है यहाँ का। और ये साइड में देख रहे हैं आप, शटर लगा हुआ है। ये हमारे श्री राम भैया जी, हमारे राहुल जी और ये हमारे सुनील शर्मा जी, ये मन्नत मांग रहे बालाजी महाराज से। ये जो साइड में शटर लगा हुआ है, यहाँ से व्यू आता है चंबल नदी का, यहाँ से मतलब आप देख पा रहे हैं सामने, ये यहाँ का व्यू है चंबल का। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मतलब इतना हाई फाई भी नहीं है यहाँ का, नॉर्मल है, ठीक है। बट वैसा नहीं है यार कि रसोई वगैरह करो यहाँ पे, कोई खाना बनाने का वो पर्टिकुलर एरिया नहीं। जैसे खड़े गणेश जी में यहाँ तो क्या है, रसोई वसोई के लिए अलग से मतलब एरिया बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप लोग आओ, खाना बनाओ, खाओ, वो सब है। यहाँ पे वैसा कुछ सीन नहीं है, नदी है पास में, बस नदी है तो व्यू अच्छा आता है यहाँ पे। और ये मंदिर का साइड वाला व्यू है, जो ये पूरा बाहर का व्यू है। अब देखो क्या डिसाइड होता है यार, डेट डिसाइड तो क्या, आई थिंक यहाँ का प्लान हमारा सक्सेस नहीं हो पाएगा, मैं कहीं और जगह ही जाना पड़ेगा। तो ये चंबल नदी का एरिया यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ का तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए स्थान के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए हमारे श्री राम भैया से पूछ लेते हैं, जो कि मतलब मेन कार्यकर्ता वही है, कि उनको मतलब व्यू कैसा लगा यहाँ का, पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पूछते हैं। क्या डिसाइड किया सर फिर आपने, आएंगे नहीं आएंगे अपने यहाँ पे? नहीं आएंगे ना पक्का? स्थान बढ़िया है बट अपने अनुसार नहीं, जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं वैसा नहीं है ना। चलो जी चलते हैं।